हम लोग देखने वाले हैं टाइगर शो। ओए असली टाइगर देखा, ओ तेरी खैर। सीरियसली डर लग रहा। अरे ये बहुत ही पास नहीं आ गए। ओए पास आ गए, वो जा रहे हैं। बोली ना लगा देना, लेनी पड़ जानी है। And welcome to astrology. This is Vikra Kaval. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day with this beautiful man. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे बने हुए आज तो। अपनी मर्जी की शर्ट किसी को कैसी लग रही गाइस बताएं। दोनों ने थाई थाई कपड़े पहने हुए, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो सीन है वो कुछ यूं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं बताएं। डॉल्फिन शो देखने हैं, जिसके लिए हम हो गए बहुत लेट। मैंने सुना है यहाँ के बहुत मशहूर शो होता है। ओके, बड़ा अच्छा होता है। तो अब वहाँ जाएंगे, लेकिन लेट हो गए हैं एज यूजुअल। गाइस हमारा जो टाइम था वो 9 बजे का था, लेकिन एज यूजुअल हम लोग लेट हो जाते हैं और टाइम हो रहा है 11। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओ ये हमारी कार हमारा वेट कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे की यार ये लोग चाहे लेट उठे चाहे जल्दी उठे, इनका हर ट्रिप जो है जो भी हमारी चीजें वो इतनी मैनेजमेंट के साथ कैसे चल रही है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि एल्फ गो अली विर्क साहब की कंपनी है जो हमारा ये सारा टूर मैनेज कर रही है, एयरपोर्ट से लेके दूसरे कंट्रीज घुमाने तक ये सारी चीजें मैनेज कर रही है। हमारे जितने भी टूर्स है, सिटी टूर्स है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी अकोमोडेशन है, हमारी फूड है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एल्फ गो यानी कि अली विर्क साहब ने ली हुई है और एक एक चीज मैनेज्ड है, प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। यस, उसी एक पैकेज पे ये सब कुछ कस्टमाइज किया हुआ है। हालांकि जब भी कोई आप दूसरी कंट्री में आता तो सबसे बड़ा मसला होता है कि स्कैम ना हो जाए। यस, ये वाले ज्यादा करते हैं, लेकिन हम जब एयरपोर्ट लैंड करते हैं वहाँ से लेके वापस एयरपोर्ट लैंड होने तक हर चीज हमारा प्लान है, हर चीज हमारा मैनेज हुआ हुआ है। और टिकट्स तक, टिकट्स, अकोमोडेशन, कार, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे टूर्स विद टूर गाइड्स, हर चीज प्लान। मतलब इफ यू वांट टू कस्टमाइज योर टूर्स किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप एल्फ गो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और अली विर्क साहब इनसे रब्ता करें और अपना टूर प्लान करें। अभी हम लोग निकलने लगे अपने डॉल्फिन शो के लिए, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अरीब साहब जो है ना वो जो कल जो हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी के लिए स्कूटी ली थी वो रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। वो गया जी अरीब, वो देखें जी ये सपोर्टेड माय हस्बैंड इन स्पोर्ट। वैसे अरीब ने हमें कहा नहीं कि उसको फॉलो करना है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जाएंगे वापस करने तो वापस क्या पैदल आएंगे। लेट्स गो ब्रदर, फॉलो हिम। मुझे तुम छोड़ के चली गई थी हैं? नहीं मैं तो आपके पीछे गई थी आपको लेने, क्या वापस कैसे आओगे? सड़ गया। ओके 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 ओके, मैंने अभी यही लगाया ये ले। तो जिस सीन कुछ यूं है कि हम लोगों ने बेसिकली जाना था डॉल्फिन शो के लिए, लेकिन हम लोग हो चुके हैं लेट फॉर डॉल्फिन शो। वो अब शो स्टार्ट होगा अगेन 2 बजे, तो वी हैव टू वेट फॉर 2, लेकिन उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं टाइगर शो। सो हम पहुंच चुके हैं जी टाइगर किंगडम। फाइनली हम लोग गए हैं, पहुंच यहाँ पे टाइगर किंगडम, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये दिखने में कुछ यूँ दिखता है, ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। और टाइगर किंगडम फुकेट थाईलैंड, लाइन 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 लाइन, ठीक है। अरे आपकी बारी कब आनी है? मुझे लग रहा है यहाँ पे असल टाइगर से मिलवाएंगे। असल टाइगर? अब मुझे ना डर भी लग रहा है। आप तो कह रहे थे कि शो है खाली। मुझे भी शो शो नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो लोगों की पिक्चर्स लगी हुई है, मुझे लग रहा है कि असल टाइगर के साथ है। तो मतलब आज ये स्टंट हम लोग करने वाले हैं। मैं तो अपने आप को मैनेज कर लूंगी, मुझे पता है, लेकिन अरीब को अच्छा खासा डर लगता है जानवरों से, सही है। बट मुझे भी लग रहा है यार हल्का हल्का, टाइगर है, जंगली जानवर है, खून खुआ रहा है, कुछ भी हो गया क्या करेंगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि शेर पड़ा हुआ है कहीं पे ना। ओए असली टाइगर देखा, ओ तेरी खैर। ओ मैं ये तो धाड़े मार रहा है यार, अल्लाह करे बेचारे को नींद आ रही हो हमारे टाइम पे, सुकून से बैठ जाए। जितना बड़ा मुंह खोल रहा है इस हिसाब से मुझे डर ही लग रहा है इससे। और लोग कितने कैजुअली आराम से जा रहे हैं। अब क्या करने लगे हैं? इंश्योरेंस हो रही है, अगर कुछ भी हो गया तो। आई ना ना करो, अभी मैं देख के आई हूँ टाइगर, वो लोग जिम्मेदार नहीं है। अभी मैं जिंदा टाइगर देख के आई हूँ। अरे अल्लाह, मेरी बारी है जी। इकरा कमल, मीडियम टाइगर लिया आपने? मीडियम टाइगर लिया हमने। तो हमारे पास ऑप्शन थी ये वाली, स्मॉलेस्ट वाला ये था, दिस इज स्मॉल। हमारा जो है वो ये मीडियम है, वैसे ये वाला एक्स्ट्रा बिग है और ये जॉइंट है।
अब जो है वो टिकट हम लोगों ने ले ली, पेमेंट हमारी डन हो गई। जो अब सीन ये है कि हम लोगों को आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा और 10 मिनट हमें अपने टाइगर के साथ स्पेंड करने को मिलेंगे। अब इस 10 मिनट में डिसाइड होएगा कि ये व्लॉग आएगा या नहीं आएगा। मुझे तो लग रहा है बेहोशी के इंजेक्शन लगाए हुए। हाँ तो जाहिर है कुछ तो अरीब किया ही होगा, ऐसे डायरेक्ट निहत्ता टाइगर तो नहीं छोड़ देंगे बंदों के आगे, वो तो खा जाएगा। तब तक नाश्ता करते हैं कुछ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या हरकतें वहाँ जाके नहीं करनी है। फ्लैश नहीं है, फ्लैश नहीं, मैं बंद रखूंगी। ठीक है, अच्छा भाई अल्लाह, मुझे लगा वाकई असली जिस तरह से उन लोगों ने इसको, ओ भाई साहब तूने हमें डरा दिया, असली के पास जाने से पहले तरह निकल गया हमारा। असली एक सोया हुआ है ये भी। हाँ अब ये क्या पढ़ने लगे हैं, बैग्स एंड कैमरास आर नॉट अलाउड, मोबाइल ले सकते हैं। ओके, फ्लैश नहीं करनी, ठीक है। टाइगर के हेड और पांव को नहीं टच करना, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, डोंट पुट एनीथिंग, कैमरा, फोन, क्लॉथ्स, ठीक है। भागना नहीं है, मैं डर लगेगा। अरे आपका मुझे डर लग रहा है। तुम्हें अपना ही लग रहा है? नहीं। ओके, फाइनली उस पिंजरे में पहुंच चुके हैं और वो हमारा टाइगर है। ये नहीं है, ये ये मीडियम वाला देखे, चेक कर ले अच्छा सा बेहोशी का, उसको दिया हुआ इंजेक्शन के नहीं पता नहीं, इंजेक्शन नहीं दिया हुआ हम गए, अल्लाह रहम करे। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो हमें बुला रहा है कि साइड साइड से आ जाओ, तुम जाओ पहले। मुझे पहले भेज रहे हैं? हाँ जी, पीछे से जाना है। चलो करो, वाह भाई वाह, एक शाबाश। सोया वो सोया हुआ, वो नींदों में है, उसको कोई होश नहीं है, उसको बस तुम्हें पता है कि कोई बस। ध्यान से अरीब, ध्यान से अरीब साहब जा रहे हैं, फुल डरा हुआ है अरीब, डरना मना है, थोड़ा पास जाएं। उसने कहा है कि तंग ना करो। अरीब इज सो स्केर्ड ऑफ टाइगर्स। अरीब क्या निकला फिर तरा? सब ऐसा तरा यार, जो भी है जानवर तो जानवर ही है ना, ऐसा डर तो पड़ी आपको, मुझे भी पड़े, दिल को सबको पड़ती है। मुझे मेरा पसीना देख, पसीना असल में पसीना आ गया। ओ अल्लाह, वो भाई डर रहे हैं, मैं से डर रहे हैं। तो वो देखो वो फोटो बना रहे हैं। चलो लेट्स गो, चलो मैं टाइगर से मिलके चलो। तरा निकला हुआ ऐसा वैसा। अरे मेरी फोटो बना दे इस साइड पे, फोटो बना दूं, पसीना आ गया मुझे। अच्छा इन्होंने बताया कि एक व्हाइट टाइगर भी है यहाँ पे, आप देख के आए? व्हाइट टाइगर देखते हैं। टाइम हमको मिला था वहाँ पे 10 मिनट का, हम 2 मिनट में ही बाहर आ गए। वो तो छोटू सा है, दो ट्विन चीता है, ट्विन्स हैं, दिखाएं वो देखो, क्यूटीज प्यारे हैं। हम पहुंच गए हैं व्हाइट टाइगर के पास, वो भी सो रहा है। वो अच्छा, सबसे प्यारा यही है, सबसे प्यारा है यार, इसलिए लगा बैठा हुआ। बहुत प्यारा है, उसने मेरे साथ मैचिंग की हुई है उसका, वो तो देखो केज देखो उसने कितना बनाया, सेम पूल भी बनाया हुआ है, प्रॉपर पूल शूल है उसके पास यार, सही स्वैग में तो ये रह रहा है, लग्जरी लाइफ व्हाइट टाइगर लिविंग। चलो निकले यहाँ से, अब देख लिया आपने, गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये लड़का इधर ही खड़ा हो गया, ये नहीं सो ना जाना आ रहा है, ठंड चाहिए मुझे। या अल्लाह, पंखे के आगे बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोग निकलने लगे हैं। यहाँ पे हमने फिर कुछ नहीं खाया, हम हमेशा कह रहे हैं खाते हैं पीते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं। अब हम लोगों ने जहाँ नेक्स्ट जाना है वहाँ से लेट ना हो जाए, इसलिए हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पहुँचते हैं, जो भी होगा दिखाते हैं। आप पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने खाना है, खाना यहाँ पे भी तुमने मॉल ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया मॉल। चले जी, हमको ये जगह मिल चुकी है, यहाँ से हम लोग गरीब अनार भी ले लेते हैं एंड फ्रेश जूस भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब खाना खाना खाते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने नेक्स्ट शो के लिए। फाइनली मेरा जूस आ चुका है, अरीब के लिए अभी भी खाने की तलाश बाकी है। हमारे मुल्क में आम का सीजन खत्म हो गया, यहाँ पे तो आम आम इतनी गर्मी यहाँ पड़ती है ना, सीजन में आम हो। चलें जी गाइस, हम लोगों ने जूस शूस ही पिया है क्योंकि उसके अलावा कुछ मिला नहीं है। अब चलते हैं वापस और हमारे ड्राइवर हमारा वेट कर रहे होंगे, वो लेके जाएंगे हमको डॉल्फिन शो। वो कहा था कि डॉल्फिन शो जो है ना स्पेशलिटी है यहाँ की। अच्छा, पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, जाके देखते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है, लेट्स इट, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं डॉल्फिन शो वाली जगह पे। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको डॉल्फिन के साथ फोटो चाहिए तो 500 रुपए, फोटो विद सील चाहिए 500 रुपए, यंग ट्रेनर चाहिए, मैजिक टच चाहिए, स्विमिंग विद डॉल्फिन। वाह, स्विमिंग हम में से किसी को नहीं आती तो स्विमिंग विद डॉल्फिन रख लें। बात सुनो, हाँ जी, डॉल्फिन से पिक्चर लेनी? हाँ पक्का? हाँ, 500 बात और देना पड़ेगा। अल्लाह, ले लेते हैं, मैंने यहाँ लोगों को दिखाया, ये देखो ऐसे
अरे नाइस। ओके वी विल डू दैट। चलें जी हम लोग जाने लगे हैं। कितना टाइम रह गया रीफ? आज 15 मिनट में जो है ना वो शो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग। ये पूरा पूल है। ओहो हो हो हो, वेरी नाइस। और ये पूरा, ये देखें ये पूरा हॉल है। ये तो आ भी गई है उनका शो। अरे वो देखो वो देखो, ये देखो। हाँ चलो जी, ये शॉपर लेके आ रहे हैं। किसने लेके आ रहे हैं? ये हमें तो कवर करना पड़ेगा अपने आप को। पूरा सूट बना हुआ है यार। चलें जी, अरीब साहब जो है ना यहाँ पे कपड़े, अरीब खड़े होके पहन ले, चेक करो जरा। फुल बॉडी फुल वो हो गई है। वाओ, यू आर लुकिंग लाइक अ शॉपर मैन। शॉपर लड़की, शॉपर। अरीब आपको हाफ उन्होंने दिया, मुझे उन्होंने फुल सूट दिया जी। यार बोल रही है ना, बड़ी अब हुए हैं हम प्रॉपर रेडी। ये देखो जरा कैसे जा रही हैं, फुदकती हुई। शो स्टार्ट करें यार, शो स्टार्ट करें। अरीब हुडी पहन पहन के थक गया है। अब ये लोग हमारे पास आने लगे हैं। डर तो नहीं लगेगा? पास नहीं आ गए, पास आ गए, वो जा रहे हैं। वो दोनों ने अब शूट चले गए हैं। उनका शो पूरा हो गया, उनका शो पूरा हो गया। अब बारी है असल डॉल्फिन का। छुप गई है, देखो सारी टाइम से पहले छुप गई है। अब देखना एकदम नमूदार होगी। ओए आई आई आई। पानी फेंकेगी यार। ट्राई करना प्रॉपर, तो इसको उतार दो।
सबसे आगे इकरा है, फिर हीरा है, फिर फातिमा है, फिर काबिया, फिर सैनब। सैनब की बाल नहीं है। ये देखे पानी पानी हो गया है। ये दो लोंडे भी बेचारे भीग गए हैं। ये पेंटिंग डॉल्फिन ने की है, ये आ रही है। लकी पर्सन को पेंटिंग मिलेगी ये। यस यस यस। ओके लेट मी सी लकी बॉय। लो जी बेचने लग गया है। पहले कह रहा था गिफ्ट दूंगा, पैसों पे आ गया। ये बड़ा सारे बड़े चलाक है। फाइव 500 में आ गई है। एक बोली ना लगा देना, लेनी पड़ जानी है। 700 की वहां पे हो गई है। एक तुम कह दो 2000। ना कहना लेनी पड़ जानी, लेनी पड़ जानी है। 1600 बोलो। इकड़ा लेनी पड़ गई ना, मैं काट दूंगा। और ना लगाई तो फिर यार 2000 रुपये आके बोल नहीं रहा। तो मैं बताता हूँ बाद में। यार मैंने तो मजाक किया था यार। यार वहाँ गेम शुरू हो गया, मेरा बंदा कार्ड निकाल रहा है। मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं पता था यार। सॉरी, I'm so sorry। भाई जी इकड़ा को कार्ड मिल गया है, इकड़ा की ड्राइंग का। बड़ी शौकी होगी। 2000 बोला था, पड़ गया 2000। पाकिस्तानी कितना बना पता नहीं, आई गेस 16000। 16000 के पेंट लेकर थी फुट ड्रॉप। क्या यूनिक पेंटिंग है, उन्होंने पेंट किया है डॉल्फिन्स ने। मैं रखूंगी चलो थाईलैंड की मेमोरी से। चलो अब शो कंटिन्यू करते हैं, जो होना तो हो गया। मेरा चौथा बढ़ गया भाई। ऐसे करके दिखाओ। ये करके दिखाओ, फिर कहोगे चौकी के चक्करों में गिरी पड़ी है। वो सिंगल है ना, उसका ये कसूर है, अकेली लगी हुई है। ये सिंगल है, ये सख्त लौंड है। लौंडी हो सकती है, लौंडी भी हो सकती है। भी है ये भी है। वो कह रही है कि ऐसे क्यों कहा ये भी है। वो
ऑक्शन कर रही थी बड़ी। शो देख के हम हो गए फारिग, लेकिन अरीब का जो हाल हुआ वो तो लेवल का हुआ है। डॉल्फिन अभी भी फोटोज के लिए रेडी हैं। अब हम इसे पीछे खिंचवाएंगे। यस फाइनली आई गॉट द पेंटिंग व्हिच आई बॉट इट फॉर। तो ये भाई पिक्चर है जिसके लिए इकरा ने ऑक्शन की थी और इकरा ये जीती है। ये लो इकरा। धगाबाज रे हाय दुनिया धगाबाज रे। प्यारी है लेकिन अच्छी है यार। आई लव डॉल्फिन। हाँ जी फिर पिक्चर हो गई। अब ये सब उन बच्चों को ढूंढते हैं। किन बच्चों को? वो जिन बच्चों को पसंद थी उनको दे दें। उनको ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। शायद मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। सो आई जस्ट वांट टू गिव इट टू देम। तुम मेक देम। चलाओ ढूंढे उन बच्चों को है के चले गए। वो जो पास ही बैठे थे हमारे साथ जो बैठे थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। हाँ उन लोगों ने तो बहुत शर्टलेस होके उन लोगों ने सही नहाए हैं। वो प्रॉपर। चलाओ ढूंढते उन बच्चों को। अब उन बच्चों को ढूंढना असल काम है। अब वो बच्चे मेरे घर चले गए। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। इतना ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला। अब बच्चे नहीं मिले निकलते हैं फिर अभी लेट हो गए। तो फिर ये 2000 बात की पेंटिंग तुम्हारी हुई जाएगी। तुम निकलने लगे हैं। द शो वाज सो गुड। आई शो यू समथिंग। प्लीज शो मी द पेंटिंग। ये देखिए अभी ब्लेंडर बनाया। लुक एट दिस। शी बोट दिस। ओह इट्स गुड। डॉल्फिन पेंटेड इट। डॉल्फिन पेंटेड दिस। वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर। डू यू नो हाउ मच शी बोट इट? 2000 बात। Can you imagine? Now say it. Ikra Kaval is innocent. She's not clever. Dolphin is clever. The people are clever. वो भाईजान वो लोग बड़े चलाक थे। उन्होंने भाईजान पर ये ऑक्शन करवाई है और इकरा ने कहा जी 2000 बात। पागल हो गई थी। दिमाग से अटक गया था मेरा। कोई बात नहीं प्यारा प्यारा ये मेमोरीज है। ये मेरी मेमोरीज है गाइस। मैं ये लेके जा रही हूँ तमगा। बच्चे नहीं मिले ना बच्चों को तमगा देने लगी थी। कोई नहीं अब घर लेके जाऊँ। तो जी अब निकलते हैं हम अपने घर को मतलब होटल पे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। शो को हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और आगे भी करेंगे। आगे आप लोग भी मुझे पता है आप लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया है ना। हसन है ना काफी सारे बच्चे जो देख रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर मेरे इस वाले डिजास्टर पे ये डिजास्टर था या मेमोरी थी आपने मुझे कॉमेंट में बताना है। अब हम लोग जो है वो सोचा था कि हम लोग होटल रूम ही जा रहे हैं मगर हम लोग जा रहे हैं जी इंटरनेशनल जेम्स फैक्ट्री है यहाँ पे वैंकलांग इंटरनेशनल जेम्स फैक्ट्री है जहाँ पे ज्वेलरी जेम्स पर्ल्स एंड सब चीजें होंगी। थैंक यू सो मच। मैंने ये कार्ड दिया बर्थ स्टोन के अकॉर्डिंग मेरा बनता है गार्नेट कोइंसिडेंस कॉन्फिडेंस सॉरी और अरीब का है जून में अरीब का है पर्ल। सही है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा एमरल्ड पसंद है डायमंड पसंद है। गार्नेट मैंने पहना होता था। मुझे जेम स्टोन का इतना शौक है। सो हियर वी विल फाइंड आउट एवरी जेम। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना थाई क्लासिकल डांस होता है तो ये उसमें ये मास्क यूज किया जाता है मुखौटा कितना प्यारा है यूनिक बना हुआ। हाँ गोल्ड में बना हुआ ना। हाँ और ये देखो ये कितना प्यारा वो इनका ये थाई का कल्चर है बेसिकली। और ये गोल्ड का क्राउन बना हुआ है यार। ये गोल्डन लेदर पपेट है ये बिल्कुल गोल्डन कलर का ठीक है। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम ये लोग जेमस्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उनकी फिनिशिंग करते हैं। ओ माय गॉड जेमस्टोन्स तो पहनती नहीं हूँ। हाँ 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 यार ये एमेथिस्ट लग रहा है मुझे। ये कितने खूबसूरत है ये पर्पल कलर का। ओहो ये पूरे स्टोन से इस तरह से ये लोग काम करते हैं दिन रात और इस तरह जवाहरात इकट्ठे करते हैं। ये यहाँ पे इनकी ये बुद्धा की मूर्ति रखी हुई इन्होंने बुद्ध की। तो बेसिकली थाई बुद्धा इट्स थाई बुद्धा और ये वो ड्यूरिंग मेडिटेशन उनका जो एक प्रोसेस होता है ये उसकी एक फोटो है। हमने वहाँ पे जहाँ तक कैमरा अलाउ था वहाँ तक हम लोगों ने आपको दिखाया। अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर कार। लेट्स गो होते हैं होटल रूम चलते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्पेशली मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।